गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पिछला जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर था हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के किसी भी कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकाला जा सकता है। आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाए। ठीक, तो कल का क्लास आपका काफ़ी अच्छा हुआ था, काफ़ी लंबा हुआ था, उसी तरीके से आज का भी क्लास लंबा होगा। और मैं डायरेक्ट यही बोल देता हूँ कि भाई साहब अब हमारी क्लासेस एक घंटे से कम की होगी ही नहीं, एक घंटा पाँच मिनट, मतलब लगभग एक घंटे का क्लास आपका क्लास ट्वेल्थ का जाएगा, ताकि हम अपने सिलेबस को काफ़ी बेहतर तरीके से ज़्यादा क्वेश्चंस करके कंप्लीट कर सकें। पिछले क्लास का एक भी डाउट मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब है या तो आपने पूरे क्वेश्चंस को खुद से ही बना लिया है, आपको डाउट नहीं हुआ है, या फिर इसका यह भी मतलब है कि आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उन क्वेश्चंस में आपको डाउट हुआ है लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है और इसीलिए मेरे से पूछा नहीं। तो भाई साहब मेरे साथ चलने की कोशिश करो, तभी जाके समय पर सिलेबस कंप्लीट होगा और आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास, जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लिखना। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी और मज़ेदार क्लास होने वाला है। बस इसी तरह पूरे वीडियो को देखिए, आप करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट सर कहना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। देखो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ, एकदम ध्यान से देखना, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो काफ़ी बेहतर है। सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि सर जो टॉपिक है पहले उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक टॉपिक नहीं समझ आएगा हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। और आज भी कल की तरह 14-15 क्वेश्चंस तो करने ही हैं, बिकॉज उतने क्वेश्चंस नहीं करोगे तो हमारे आरडी शर्मा के जो देवता हैं वो खुश नहीं होने वाले हैं। और आरडी शर्मा को अगर खुश नहीं करोगे मेरे भाई साहब, तो फिर मैथ्स कैसे खुश होगा। ठीक है, तो आ जाओ। चलो, तो आज का टॉपिक में हमें सीखना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, चलो सबसे पहले तो आपको ये भली भांति बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि जो टेंजेंट है वो असल में क्या होता है। तो सर जी, टेंजेंट जो होता है वो असल में एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। उसी तरह से हमारा नॉर्मल क्या होता है? तो सर जी, नॉर्मल भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना, यानी अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन या फिर नॉर्मल के इक्वेशन को लिखने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें किस चीज का इक्वेशन लिखना है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आएगा। ठीक है ना, अब अपने 11th क्लास को याद करो। यहां स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। सबसे पहला तरीका आता है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहला तरीका क्या आता है? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है मतलब सर? मतलब आपको एक लाइन दे देगा, ये लाइन किसी पॉइंट से होके गुजर रहा होगा, वो पॉइंट मान लो x1 y1। बहुत सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूं, आपको एक लाइन दे देगा, वो लाइन किसी एक पॉइंट से होके गुजरेगा और वो पॉइंट है x1 y1। अब इस लाइन का आपको स्लोप भी गिवेन होगा। स्लोप कितना गिवेन होगा? m। अब आपसे पूछेगा कि लाइन का इक्वेशन बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। याद करो ये चीज आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहां से आप एक बात काफी बढ़िया से सीख गए कि सर अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, चाहे वो लाइन टेंजेंट हो चाहे वो लाइन नॉर्मल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस लाइन के इक्वेशन के लिए मिनिमम एक पॉइंट चाहिए और कम से कम एक स्लोप चाहिए। जैसे ही हमको एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाएगा, हम अपने लाइन का इक्वेशन भली भांति लिख सकते हैं, और हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आते हैं दूसरा, दूसरा जो टॉपिक होता है, मतलब दूसरा जो तरीका होता है वो होता है टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, असल में यहां पे स्लोप हटा दो, ये स्लोप नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ टू पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको एक लाइन गिवन होगा कि एक लाइन है। अब ये लाइन एक पॉइंट से नहीं पास कर रहा होगा, बल्कि ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा होगा, और दोनों ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त होगा। इस वाले में क्या था कि एक पॉइंट से पास कर रहा था और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ था, इस वाले में क्या था दो पॉइंट से पास कर रहा था और इसमें स्लोप नहीं दिया था। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, तो इसके इक्वेशन लिखने का तरीका है y माइनस वाई वन, उसके बाद अपना आराम से x माइनस एक्स वन लिख दो। लेकिन इसके पास कमी क्या है, इसके में स्लोप, तो दो पॉइंट से स्लोप निकालना मैंने कल ही सिखाया था, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अल्टीमेटली ये हो जाता है टू पॉइंट फॉर्म। अब देखो ये सब तीन पांच में मत पढ़ो भाई, ये जो तीन पांच देख रहे हो ना, अगर इस तीन पांच में पढ़ गए तो तुम्हारी मेहनत बढ़ जाएगी और तुम्हारा आउटपुट अपने आप घप से गिर जाएगा नीचे, तो हचाक से आउटपुट नीचे गिरेगा, तो नहीं गिरना चाहिए आउटपुट। उसके लिए सुनो मेरी बात को, दिमाग में बस एक बात याद रखो कि अगर आपको किसी भी टेंजेंट का या किसी भी नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो आपको दो चीजें खोजना है, क्वेश्चन में से दो चीजें खोजना है। पहली चीज कि भाई साहब टेंजेंट का स्लोप क्या है, और दूसरी चीज जो आपको खोजना है वो खोजना है कि ये टेंजेंट किसी पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है। अगर आपको स्लोप और एक पॉइंट मिल गया जिससे कि टेंजेंट पास कर रहा है, तो आप टेंजेंट का इक्वेशन काफी आसानी से लिख लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो भी दो ही चीज खोजना है, पहली चीज कि आपको नॉर्मल का स्लोप खोजना है उस क्वेश्चन में, और दूसरी चीज ये खोजना है कि वो नॉर्मल किस लाइन से किस पॉइंट से गुजर रहा है। ये दो चीज अगर आप खोजने में सक्सेसफुल हो गए तो आप टेंजेंट और इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन काफी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपके गलत हो जाए, ठीक है ना। तो चलो बिना देर किए इस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों उतार लीजिए फटाक से। चलो तो सबसे पहला जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये अपना एग्जांपल नंबर वन है, ठीक। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। और वो कर्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कर्व है y इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, और कहां पे, तो एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, और वो पॉइंट है 1, 2 एंड 35/4, 1, 2 एंड 35/4।
चलिए मेरे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझो, पहले खूब ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, मजे से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? आपको इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। ग्रेट, हमको क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। काफी बेहतर बात है। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट की स्लोप क्या है और कौन से पॉइंट से गुजर रहा है। तो क्वेश्चन खुद ब खुद बोल दिया है कि वो टेंजेंट किस पे है, तो इस कर्व पे है। तो अगर कर्व दिया है तो पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करो और यूज करके कर्व का स्लोप निकाल लो। अच्छा, अब कहां पे टेंजेंट बनाना है? तो इस पॉइंट पे। तो अगर टेंजेंट इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो सर पॉइंट तो मिल गया टेंजेंट का, अब पता लगाना है स्लोप, जो कि यहां से पता लग जाएगा। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन लिखना। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन को स्टार्ट ऐसे करोगे। According to question, equation of the curve. Curve का equation क्या दिया हुआ है? Y is equal to minus 5x square plus 6x plus 7. ठीक है ना? फिर क्या लिखोगे? We have to find the equation of tangent. We have to find the equation of tangent. कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? At x is equal to 1 by 2 and y is equal to 35 by 4. ठीक है? चलो तो आ जाओ. Then dy by dx at 1, 2, 35, 4. कैसे लिखेंगे? Differentiation of y के जगह माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x, कहां पे? एट 1 बाई 2 और 35 बाई 4. ठीक है ना बच्चों? एकदम ध्यान से समझना यार, कोई घबराहट की बात नहीं है। तुम्हारे हाथ में अब हम लोग टीचर हो गए। जब मन तब रीप्ले करो, जब मन तब फॉरवर्ड कर दो, जब मन तब स्पीड बढ़ा दो अपना, जब मन तब एकदम स्लो मोशन में करके सुनो, तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हारे हाथ में हम लोग आ चुके हैं। अब इससे ज्यादा तुम लोग क्या चाहते हो बताओ मेरे को? ये आ गई डिफरेंशिएशन। लेकिन कहां पे निकालना है मेरे भाई? x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पे। तो जैसे ही तुमने यहां पे 1 बाई 2 रखा, वो माइनस 5 हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस 10 इंटू 1 बाई 2 प्लस 6, यानी यहां से आ गया 1। यानी हमारे पास dy by dx इस पॉइंट पे 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर आपको इधर का दिख रहा हो, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि टेंजेंट का स्लोप 1 है और टेंजेंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो x1 1 upon 2 है और y1 35 5 4 है। तो इक्वेशन हो जाएगा y minus y1 is equal to slope x minus x1। तो y के जगह y, y1 के जगह 35 by 4, स्लोप की जगह 1, x की जगह x और x1 की जगह 1 by 2। अब बस आप इसको इंक्लूड कर लो, आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो काफी बेहतर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल तरीके से बनाना है। स्लोप निकालने आपको आता है, पॉइंट हमेशा हर क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बस सॉल्व आउट करके निकाल लेना है। ठीक है ना? तो चलिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो काफी बेहतर तरीके से कर लोगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसको उतार लो। आज थोड़ी सी वीडियो आपकी लेट हो गई है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सुबह आपका वीडियो आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा माइंड आज अपसेट है, मजा नहीं आ रहा है। मतलब अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, एनर्जी जो डाल रहा हूँ ना, मैं जबरदस्ती एनर्जी डाल रहा हूँ, वो अंदर से एनर्जी नहीं है, बस अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लास बोरिंग ना हो। तो थोड़ा सा आज का माइंड अपसेट है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। ले भाई साहब, टेंजेंट भी है और साथ साथ नॉर्मल भी है टू द पारा बोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। इस दो जगहों पे आपको निकाल लेना है। ठीक है ना बच्चों? एकदम सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो यदि कह रहा है सर, अब देखो इसका हम लोग फिगर बना सकते हैं, तो हम लोग फिगर बना लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक पाराबोला है, ठीक है ना,
हमारे पास एक पाराबोला है और इस पाराबोला पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, ठीक, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे बच्चों 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब हमें यहाँ पे एक टेंजेंट भी बनाना है और एक नॉर्मल भी बनाना है, तो हमको ये टेंजेंट का भी इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का भी इक्वेशन चाहिए। सिंपल सिंपल बात है। तो एक चीज तो साफ दिख रहा है कि टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, बस टेंजेंट की स्लोप चाहिए जो डिफरेंशिएट करके मिल जाएगी। और रहा बात नॉर्मल का, तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है ना, तो वहां से नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, एकदम आसान है। तो आ जाओ सबसे पहले लिखेंगे फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप के लिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी अच्छा देखो रूट लग जाएगा ना, वाई स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर 4ax को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 4ax और अंदर वाले का 4a। आप जानते हो ये कटेगा तो हो जाएगा 2a रूट अंडर 4ax, ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या है कि हमको ये निकालना कहाँ था, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर पे जस्ट पुट इट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो dy बाई dx x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर पे, तो हो जाएगा 2a रूट अंडर 4a अगेन a एंड t स्क्वायर। तो आप देखोगे कि 2a तो ऊपर है, नीचे से भी 2at बाहर आ गया, कट गया और 1/t स्लोप आ गया। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1/t हुआ तो लिखो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 1/t, तो 100% नॉर्मल का स्लोप माइनस टी हो जाएगा। अब हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है, हमारे पास नॉर्मल का स्लोप है, हमें इक्वेशन लिखना है। आ जाओ लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, वाई माइनस वाई वन के जगह 280, उसके बाद स्लोप है 1/t टेंजेंट का, x माइनस x1 के जगह 80 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे टेंजेंट का, और नॉर्मल का लिखना है तो y माइनस y1 तो सेम ही रहेगा, बस स्लोप के जगह हो जाएगा माइनस टी x माइनस 80 स्क्वायर, ये हमारा नॉर्मल का हो गया आंसर। तो हमने नॉर्मल का भी निकाल लिया, हमने टेंजेंट का भी निकाल लिया, समझ गया ना बात को, काफी इजी है, फटाक से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, ये सीबीएसई ने 2018 में पूछा है, काफी रीसेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है और काफी बेहतर क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा ये क्या क्वेश्चन है, क्या कहता है और हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू टू 16x² + 9y² = 144 एट x1 y1, एट x1 y1, ठीक है ना, वेयर x1 इज इक्वल टू 2, वेयर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। चलो सर जी ये इक्वेशन है और हमें x1 y1 पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, x1 2 है और y1 0 से बड़ा है, ये पहले ही से दे रखा है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि ये x1 y1 इस कर्व पे होगा तो पहले इसको सेटिस्फाई करवाओ, है ना, पहले सेटिस्फाई करवा के y1 निकालते हैं। तो 16x1² + 9y1² = 144, भाई x1 के जगह हम रख देंगे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 9y1² = 144, ये हो जाएगा 4 16 64, तो 9y1² = 144 - 64, तो 9y1² की वैल्यू 4 - 4 = 0 14, यहाँ 80 हो जाएगा 80, जहाँ तक मेरे को लगता है 4 - 4 = 0 एंड 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। अब अगर हम इसको काटते हैं तो ये किससे कटेगा भाई साहब, ये 80/90 आ रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, मतलब ऐसा y1² की वैल्यू 80/90, चलो अब कुछ ऐसा बात है कि नहीं निकला तो ठीक है, y1² आ गया 80/9, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट अंडर 80/3,
अब आपको काफी बेहतर पता है कि y1 हमको जीरो से बड़ा लेना है, क्वेश्चन पहले ही बोल चुका है, एंड इसी वजह से हम y1 की वैल्यू 80 है तो 4√5 हो जाएगा और नीचे तो खैर 3 है ही, तो ये हो जाएगा मेरा y1 का वैल्यू। तो हमको y1 भी पता चल गया और खैर x1 तो पहले से 2 पता है। अब आ जाओ हम लोग निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 16x² + 9y² को x के रिस्पेक्ट में, और उसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे 144 को x के, तब ना स्लोप निकलेगा। तो यहां से हो जाएगा 32x और यहां हो जाएगा 18y एक्स्ट्रा में dy/dx और यहां लग जाएगा जीरो। ठीक है ना बच्चे, तो बताओ फटाक से कि हमारे पास हमारा dy/dx कितना आ जाएगा, -32x/18y। अब आपको काफी बेहतर पता है कि x आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2, और y की वैल्यू आपने निकाली है 4√5/3। तो ये हो गया आपका टेंजेंट का स्लोप। ये क्या चीज का स्लोप हो गया, टेंजेंट का स्लोप। अब यहीं से आप क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। तो ये पलट दोगे तो हो जाएगा 18 4√5 × 32 × 2 × 6। क्यों ऐसा, बिकॉज ये आप माइनस कैसे हटा दिए, बिकॉज पलटने के बाद माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट का भी स्लोप है, नॉर्मल का भी स्लोप है, और वो दोनों किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक तो 2 और दूसरा आ गया 4√5/3, इस दोनों से पास कर रहे हैं। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो x − x1 = slope of tangent y − y1 लगा दो, और अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो x − x1 तो रहेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, अरे अरे उल्टा हो गया यार, ओहो यहां होगा y − y1, यहां होगा x − x1, यहां भी होगा y − y1 और यहां होगा x − x1, ये लगा दो दोनों में। अब देखो टेंजेंट का स्लोप भी पता, नॉर्मल का भी पता, और x1 y1 यहां पे है तुम्हारा, ये x1 है ये y1। ठीक है ना, तो कितना आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल था और सीबीएसई ने 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो काफी बेहतर क्वेश्चन था। फटाक से इसको उधार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सीबीएसई ने 2004 में पूछा है, मिटा दें इसको। चलिए आ जाइए बच्चों, हम लोग आते हैं सीबीएसई के 2004 के क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। सीबीएसई ने कहाँ पूछा था, तो सर जी ये 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है 2004। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और हमारा कर्व क्या है प्यारे बच्चों, कर्व देखो यहां पैरामेट्रिक ला दिया, x = 1 − cos θ एंड y = मेरे प्यारे बच्चों θ − sin θ। और ये निकालना कहां पे है, तो ये निकालना है θ = π/4, θ = π/4। ठीक, तो भाई साहब टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट चाहिए और दूसरा स्लोप चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए थीटा को पाई बाई फोर रख दो, तुमको x1 y1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारा x1 आ जाएगा 1 − cos π/4, यानी x1 हो जाएगा 1 − 1/√2, जो कि हो जाएगा √2 − 1/√2, ये मेरा x1 हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग y1 निकाल लेते हैं, तो y1 के जगह हो जाएगा π/4 − 1/√2, ये मेरा y1 आ गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आपको चाहिए dy/dx। तो उसके लिए आप क्या करोगे, dy/dθ / dx/dθ, आपने पढ़ा है पैरामेट्रिक का। ठीक है, तो dy/dθ करेंगे तो थीटा का 1 और साइन थीटा का −cos θ, और dx/dθ का तो 1 का 0 −cos θ का sin θ। ठीक है ना, अब थीटा को पाई बाई 4 रख दो, तो 1/√2/1/√2, तो भाई साहब हो गया √2 − 1, नीचे ऊंचे वाला कट गया, तो ये आ गया अपने टेंजेंट का स्लोप। तो देखो टेंजेंट का स्लोप पता और दो गो पॉइंट पता, x1 y1 फॉर्मूला लगाएंगे आंसर पाएंगे, मैं इसके बाद नहीं लिख रहा हूं, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन था, देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो इसके बाद फटाक से आप उतार लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात मैंने तुम लोगों को नहीं बता दी है, ऐसा नहीं कर दिया कोई खतरनाक सा चीज बता दिया है कि तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो उतार लो फटाक से।
इसके बाद जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है ना बच्चों, वो भी सीबीएसई का पूछा हुआ है। जितने भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज या तो वो सीबीएसई के पूछे हुए हैं, या फिर एनसीईआरटी के हैं, या फिर आईआईटी जेई मेंस वगैरह के हैं, वहीं के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आज का पांचवा नंबर क्वेश्चन का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे एनसीईआरटी में तो है, उसके साथ साथ ये सीबीएसई के 2010 में पूछा और 2014 में पूछा, दो बार सीबीएसई ने पूछा है और साथ साथ एनसीईआरटी में है। तो यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन खुद काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसी वजह से इतने बार इसकी डिमांड हो रही है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट। आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल टू द पॉइंट टी ऑन द कर्व, टी ऑन द कर्व, एंड दैट कर्व इज वॉट, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, एंड वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, बी कॉस क्यूब टी, y is equal to b cos क्यूब t। तो बड़ा सिंपल सा बात है बाबू, इसका जो इक्वेशन तुम लोग को लिखना है ना, वो किस पॉइंट पे लिखना है, t पॉइंट पे लिखना है। इक्वेशन किस पे लिखना है, t पॉइंट पे, और x बराबर दिया है, y बराबर दिया है। तो यहां जो x और y है वो t रखोगे तो भाई साहब x1 y1 भी वही मिलेगा। तो हमारा पॉइंट हमको जो मिल गया, जो x1 की अगर हम बात करते हैं, x1 है मेरा a sin क्यूब t, है ना, और y1 है मेरा b cos क्यूब टी, ये तो फिक्स हो गया। अब स्लोप चाहिए तो एक काम करो, dy by dx निकालो। अब आपको पता है कि dy by dx का फॉर्मूला dy by dt और यहां पे dx by dt, तो dy by dt करोगे तो देखो ध्यान से, माइनस थ्री बी कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी हो जाएगा, और जैसे dx by dt करोगे तो 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी हो जाएगा। ये थ्री थ्री कटेगा, यहां से एगो साइन एगो साइन एगो कॉस एगो कॉस कटेगा, तो हो जाएगा माइनस बी कॉस टी डिवाइडेड बाई ए साइन टी। तो हमारा स्लोप आ गया माइनस बी अपॉन ए, कॉस टी अपॉन साइन टी होता है कॉट टी। तो हमारे पास टेंजेंट का तो स्लोप निकल गया, अब अगर नॉर्मल का स्लोप मांगोगे तो नॉर्मल का स्लोप जस्ट इसको पलट दो, तो a बाई बी और यहां पे cot t के जगह हो जाएगा tan t। तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया और ये वाला टेंजेंट का स्लोप हो गया, और वो किस पॉइंट से पास करेंगे, x1 y1 दिया है, बस फॉर्मूला पे बैठाओ और आंसर आपका आ गया। यही क्वेश्चन था सीबीएसई का 2010। क्या फालतू है यार, क्या मतलब, कितना टफ क्वेश्चन है, नहीं ना हलवा है, तो बस यही बात है, समझ रहे हो बात को। चलो आ जाओ, अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे, ये भी बढ़िया है, बिकॉज ये 2005 में पूछा था, फिर 2007 में पूछा, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जिम्प्लार में चला आया, तो कहीं ना कहीं इसकी भी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का छठा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सो दैट द लाइन, सो दैट द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन टचेस टचेस द सर्कल, टचेस द सर्कल, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, टचेस द कर्व है मेरे प्यारे बच्चों, टचेस द सर्कल नहीं है, लगता है मेरे को चश्मा लेना पड़ेगा, टचेस द कर्व y इज इक्वल टू बी ई पे पावर माइनस एक्स बाई ए, बी ई पे पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस, एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। चलो बच्चों काफी बेहतर क्वेश्चन है, क्यों बेहतर मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है कि ये जो लाइन है वो इस कर्व को टच करेगा। टच करने का मतलब, अगर कोई कर्व है और कोई लाइन उसको टच करता है, जैसे एक सिंपल सा बात समझो, मान लो ये कर्व है और एक कोई लाइन टक 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 इस छू के से भाग गया, टच कर गया, तो ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, यानी ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट की लाइन है,
और ये कर्व है जिस पे कि ये लाइन टेंजेंट है, और कहां पे है तो उस जगह पे है जहां पे कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो वाई एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब है कि वहां पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही तुम एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स वन आपका जीरो हो जाएगा तो आप अपना वाई वन निकालिएगा, तो वाई वन की वैल्यू बी ई पे पावर माइनस जीरो अपॉन ए, तो वाई वन की वैल्यू बी आ जाएगी। तो हमारे पास एक्स वन जीरो है और y1 b है, ठीक, क्लैरिटी है, एकदम सिंपल है। अब इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो। अगर इसका स्लोप इसके बराबर आ गया इसका मतलब है ये लाइन उसको पास करेगा। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, एकदम सिंपल सा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट को इससे सेटिस्फाई करवाओ, अगर इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कर गए तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि हम स्लोप निकाल के इक्वेशन ही निकाल दें और वो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो आ जाओ स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो dy by जब dx करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो डिफरेंशिएशन b e पे पावर माइनस x बाई ए का x के रिस्पेक्ट में, b बाहर निकल जाएगा और e पे जो है सो के रिस्पेक्ट में होगा, उसके बाद माइनस लगा के 1 अपॉन a हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको रखेंगे x को 0, बिकॉज 0 पे करना है, तो ये टर्म तो 1 में बदल जाएगा और हमारा स्लोप हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास हमारे टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब अगर टेंजेंट का स्लोप मिल गया और वो पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बोलो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। तो चलो y के जगह हम y रख देते हैं और y1 के जगह हमने b रख दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा माइनस बी बाई ए है, x की जगह x रख दिए और x1 के जगह हमने रख दिया 0, तो हमारे पास आ गया y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए। इसको उधर लेके जाओ तो हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, यानी हम लिखेंगे ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, यानी हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1। अब इसको जैसे ही तुम डिफरेंट मतलब अलग अलग करोगे तो ए वाई बाई ए बी एक तरफ और बी एक्स बाई ए बी एक तरफ 1। यहाँ से ए कटा बी बी कटा हो गया, देखो वाई बाई बी प्लस सॉरी बी बी कटा एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। देखो तो ये लाइन किस चीज़ का आ गया, टेंजेंट का, और यही लाइन तो है टेंजेंट जो उसको टच करके जाएगा। सिंपल है ना, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस फटाक से इसको उतार लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। चलो आ जाओ आज का सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक सेकंड में चेक कर लूं चीजें रिकॉर्ड अच्छे से हो रही है ना, नहीं तो पता चला कि सारा मेहनत पानी में गया। हाँ ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एंड द नॉर्मल टू द कर्व। और कर्व क्या है मेरे बच्चों, तो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एट द पॉइंट वेयर इट कट x एक्सिस, जहां पे इसने किसको कट किया है, x एक्सिस को कट किया है उस पॉइंट पे। ये एनसीईआरटी का है और साथ साथ ये सीबीएसई में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का और साथ ही साथ इक्वेशन निकालना है नॉर्मल का, ठीक है ना, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। जो कर्व है वो दे रखा है किस पॉइंट पे, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो अगर वाई एक्सिस को कट करने पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स एक्सिस को कट करने पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो हमारा वाई वन तो जीरो हो जाएगा, ये पहले ही पता चल गया। अब यहां जीरो रख दो और एक्स वन निकालो, तो एक्स वन माइनस सेवन x1 माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री, तो ये तो खत्म हो गया। तो x1 की वैल्यू 7 आ गई और y1 पहले से 0 है, यानी इसी जगह पे हमें स्लोप भी निकालना है और इसी जगह पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालना है। तो जहां तक स्लोप की बात है आ जाओ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो x माइनस टू
x माइनस थ्री बाहर निकल जाएगा और x माइनस सेवन का डिफ्रेंसिएशन 1। फिर अगर हम x माइनस सेवन बाहर निकाल लेते हैं तो नीचे वाले का देखो x माइनस टू निकलेगा, कोई फायदा नहीं, 1 हो जाएगा। प्लस का साइन x माइनस थ्री देंगे, कोई फायदा नहीं, 1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा x माइनस टू और x माइनस थ्री का कंबाइंड का होल स्क्वायर। अब हमें x को 7 रखना है, y1 को 0 रखना है, तो हम जैसे यहाँ पे 7 रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस टू 5, 7 माइनस थ्री 4, यहाँ रखेंगे तो ये पूरे को 0 कर देगा काम तमाम। यहाँ रखेंगे 7 माइनस टू 5, 7 माइनस थ्री 4 का होल स्क्वायर, ये एक बार में कट गया तो हो गया 1/20। तो हमारे पास हमारे टेंजेंट का स्लोप 1/20 आ गया। अगर हमसे कोई नॉर्मल का पूछे तो सीधे पलट देना है और माइनस लगा देना है, तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया और ये टेंजेंट का, और हमारे पास हमारा पॉइंट पता है जहां से इक्वेशन पास कर रहा है, तो बस y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। और फिर उसी तरह y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो भाई साहब काफी बेहतर क्वेश्चंस यहां पे तुमको मिल जाएंगे जो तुम कर सकते हो। ठीक है ना? अब इसको मिटाते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो पैटर्न का तुम क्वेश्चन देखे ना, ये तुमको सबसे पहला पैटर्न सिखाया गया, यानी आपको कोई पॉइंट दे देगा और आपसे बोलेगा कि वहां पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के दिखाइए। ठीक है ना? अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन आने वाला, वो थोड़ा सा इनसे अलग है, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, उसको देखा जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है ना, तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व और कर्व है y इज इक्वल टू, नॉट y इज इक्वल टू, कर्व है 3x² - y² = 8। 3x² - y² = 8 और कहां पे निकालना है, which is parallel to the line, और वो लाइन क्या है, x + 3y = 4। चलो भाई साहब काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, नॉर्मल का किस पे, इस कर्व पे, जो किसके पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल हो। तो मेरे भाई अगर कोई नॉर्मल इसके पैरेलल है तो जो स्लोप इसका वही स्लोप नॉर्मल का, यानी नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/3। तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्लोप हमारे पास नॉर्मल का मिल चुका है। अब हमको पॉइंट चाहिए, तब तो हम इक्वेशन लिखेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट बी x1 y1, और इसी पॉइंट पे तो स्लोप निकला होगा, तो इस पॉइंट पे जरा स्लोप निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, 3x² - y² x के रिस्पेक्ट में, और आपको पता है कि 8 की डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2y, और एक्स्ट्रा में dy/dx = 0। तो यहां से dy/dx हो जाएगा 6x/2y, यानी सीधे सीधे 3x/y। अब हमको जो नॉर्मल निकालना है वो तो इस पॉइंट पे, उसका स्लोप कितना आया, -1/3, और किस पॉइंट पे आया है, तो हम x1 y1 माने हैं, तो रख दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, 3x1/y1 = -1/3 है ना। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया कि -9x1 = y1, मतलब y1 की वैल्यू -9x1 के बराबर है, इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे तो 3x1 - 9x1² = 8 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो अब आपको काफी भली भांति ये बात समझ में आ रही होगी कि यार इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बताओ मेरे को, ध्यान से देखो, तो मिलेगा तुमको 78x1² = 8 मिलेगा ना, जो कि तुमको लग रहा है कि ये पॉसिबल है। देख रहे हो यहाँ पे x1 का स्क्वायर -8/78 आ जाएगा, यानी कोई भी ऐसा x1 निकलेगा जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल करती हो, बता दो मेरे को फटाक से, कोई भी ऐसा नहीं निकलेगा। अच्छा एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, हमको नॉर्मल का ना स्लोप मिला है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, देखो थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से,
क्या है कि एक सेकंड मैं थोड़ा अप कर दूं। देखो हमारे पास जो ये स्लोप मिला ना, ये वाला स्लोप जो तुमने निकाल के रखा, ये वाला, ये जो स्लोप तुमने निकाला है x1 y1 रख के, ये टेंजेंट का स्लोप है मेरे भाई, हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। वो देखो नॉर्मल है ना, तो ये तो टेंजेंट का स्लोप है, यानी हमारे पास हमारे टेंजेंट का स्लोप होगा 3x1 by y1। लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल की स्लोप की बात करें तो वो होगा माइनस वाई वन अपॉन 3x1। अब इस स्लोप को यानी माइनस वाई वन अपॉन 3x1 को माइनस वन अपॉन 3 के बराबर करो, कट गया 3, 3 कट गया, यानी x1 बराबर हो गया y1। अब जैसे ही x1 y1 बराबर हुआ, पट से इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 3x1 माइनस अगेन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ गया हमारे पास x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी x1 2 और y1 2, फिर उसके बाद x1 माइनस 2 और y1 माइनस 2, यानी हमारे पास जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा दो दो आएगा, एक बार तो इस पॉइंट को लेके इक्वेशन लिखेंगे और स्लोप ये, और एक बार इस पॉइंट को इक्वेशन लिखेंगे और स्लोप ये, तो दो अलग अलग इक्वेशन आएंगे, दोनों को आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, माइनस वन अपॉन 3 x माइनस x1, एक बार ये वाला डालो x1 y1 और एक बार ये वाला डालो x1 y1, तो दो इक्वेशंस आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी कि आपको स्लोप दे दिया था, लेकिन किस पॉइंट से नॉर्मल गुजरेगा वो पॉइंट आपको नहीं दिया था, वो पॉइंट आपको दिमाग लगा के निकालना पड़ा कि कौन सा पॉइंट होगा। आपने माना, मान के आप टेंजेंट का स्लोप निकाले, वहां से नॉर्मल का स्लोप निकाले, नॉर्मल का स्लोप दिया था, इसीलिए नॉर्मल का स्लोप और इस स्लोप को बराबर करके x1 y1 में रिलेशन निकाले और वहां फिर इसको इसमें पुट करके x1 y1, तब जाके आपका इक्वेशन वैलिड हो पाया, ठीक है ना। चलिए तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई 2010 में, इसको भी मिटा लो बच्चों, सॉरी उतार लो, फिर मैं मिटा दूं इसको। बोल रहा हूं ना यार कि जब माइंड अपसेट होता है तो फिर काफी मुश्किल होता है चीजों को डील करना, एंड कहते हैं ना कि क्या करोगे, मतलब दिन भर घर में बंद रहना, उसके बाद और कोई काम भी नहीं है, क्या कहा जाए, बड़ा मुश्किल होता है यार, कभी कभी सेल्फ मोटिवेट करना ना काफ़ी मुश्किल होता है अपने आप को। तो मैंने कितने नंबर क्वेश्चन तुमको कराए हैं यार, जो भी नंबर कराए हैं मेरे हिसाब से चलो 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, याद नहीं है मेरे को, बट देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और वो कर्व क्या है मेरे प्यारे बालकों, तो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो लाइन क्या है मेरे बच्चों, तो लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको टेंजेंट निकालना है इस कर्व का, और वो टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इस लाइन का अगर स्लोप निकालो, ठीक, तो इस लाइन का स्लोप तुमको मिलेगा माइनस वन अपॉन 14, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये तो लाइन का है, ये तो सीधे रेसिप्रोकल कर दो 14 हो जाएगा, तो हमारे पास हमारे टेंजेंट का स्लोप पता है, लेकिन पॉइंट नहीं पता है, मान लो उस पॉइंट को एक्स वन वाई वन है ना, तो लिख लेते हैं लेट द पॉइंट बी एक्स वन वाई वन। जैसे ही तुमने पॉइंट एक्स वन वाई वन माना, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो जब डिफरेंशिएट करोगे डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, हमारा जो dy by dx है वो क्या आ जाएगा, 3x square plus 2, है ना। अब आपको पुट करना है यहाँ पे x1, तो हो जाएगा 3x1 square plus 2 is equal to 14, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 square is equal to 12, तो x1 square is equal to 4, तो x1 is equal to plus minus 2। अब जैसे ही आपको x1 plus minus 2 मिला, आप एक बार plus 2 रखो एक बार minus 2 रखो, यहाँ पे आपको y मिल जाएगा, मैं निकाली देता हूँ, तो पहले केस में अगर x1 2 रखोगे तो माइन तो हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6 यानी 18, तो भाई साहब 2 रखने पे 18 मिला, यानी एक x1 y1 ये मिल गया, दूसरा जब माइनस 2 रखोगे तो y मिलेगा तुमको माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6,
तो यहाँ हो जाएगा 8 × 4 = 12, यानी कि y की वैल्यू -6, तो -2 रखने पे -6। दोनों ही केस में जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट 14 ही आएगा, यानी स्लोप 14 लेना है, एक बार x1 y1 रखना है, एक बार x1 y1 रखना है, दो अलग अलग टेंजेंट के इक्वेशन आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए भाई आप बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, काफी बेहतर क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मिटा दें इसको। देखो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं मैं सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा क्लास टाइम मतलब लंबा लग रहा है, ठीक है ना यार, लंबा लग रहा है, लगने दो, क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है अपने पास। दिन भर में एक वो क्लास आता है भाई साहब मैथ्स का, एक क्लास मैथ्स का आ रहा है दिन भर में, एक घंटे की क्लास है, 24 घंटे टाइम है, 1 घंटे यार बहुत कम है, मैं तो चाहूँ 5 घंटे क्लास चलना चाहिए दबा के, ताकि फिर फ्यूज उड़ जाए। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होने वाला है। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 5 घंटे बनाने में मेरी खुद की हालत खराब हो जाएगी। 5वें पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये 2013 में पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है x square, आज देख रहे हो, आज देखो कितनी गलती हो रही है, इसको कहते हैं absent mind। x square = 4y which passes through the point 1, 2। काफी बेहतर है। अब आपको क्या निकाल लेना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको निकाल लेना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अच्छा विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लाया है, क्या है कि आपको कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² = 4y, माने ऐसा कुछ, ठीक है। अब कहीं पे एक पॉइंट है 1, 2, ये एक लाइन है जो 1, 2 से पास कर रहा है, 1, 2 से, और ये लाइन इस पाराबोला पे क्याची का रोल प्ले कर रहा है, नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक। तो आपको पॉइंट तो मिल गया, यानी आपको यहां पे x1 मिल गया और y1 2 मिल गया, लेकिन ये x1 y1 इस वाले इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है, यानी नॉर्मल उस पॉइंट पे नहीं बनाया गया है, नॉर्मल उस पॉइंट से पास कर रहा है। दोनों पे समझना बच्चा, एक बात लिखा होता है नॉर्मल एट 1, 2 और नॉर्मल पासेस थ्रू 1, 2, दोनों में अंतर है। अगर 1, 2 होता तो ये 1, 2 इस कर्व के ऊपर होता, लेकिन अगर पास कर रहा है तो ये कर्व के अलग होगा, जरूरी नहीं है कि कर्व पे हो, तो ये पॉइंट इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। करा के भी देख लो, कर रहा है क्या 1, 2, नहीं करेगा। तो यही चीज बच्चे फंस जाते हैं, वो समझते हैं कि अरे यार बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो पहला वाला जो आप शुरू शुरू में करा रहे थे, नहीं ये शुरू वाला नहीं है भाई, ये टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया, तीसरा वेराइटी है। यहां पे आपको पॉइंट दे दिया है जिससे कि नॉर्मल पास कर रहा है, लेकिन ना तो आपको उसका स्लोप पता है ना बाकी कुछ चीज पता है, तो कैसे निकालेंगे सर। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो पॉइंट है, लेट द x1 y1 ऑन विच नॉर्मल इज ड्रॉन, नॉर्मल x1 y1, यानी यहां पे जो पॉइंट है वो हम ले लेते हैं x1 y1। अब जरा स्लोप निकालो टेंजेंट का, तो तुम dy/dx करोगे, सिंस y तुम उधर x² / 4 लाओगे तो जाएगा 2x/4, सिंपल डिफरेंशिएट करके, यानी x/2। अब x1 रख दोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा x1/2, लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप जो हो जाएगा -2/x1। ये बात क्लियर है ना। अब आपको पता है कि ये जो नॉर्मल है वो एक पॉइंट है इसका 1, 2 दूसरा हुए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा अगर इस फॉर्मूला से स्लोप निकालो तो आ जाएगा 2 - y1/1 - x1, यही ना स्लोप आएगा अगर हम इस फॉर्मूले से स्लोप निकालें तो ये, और यहां क्या आ गया स्लोप 2/x1 स्लोप आ गया। तो यहां से फिर हमारे पास एक इक्वेशन आया और जो इक्वेशन आया वही मेरा आंसर हो गया। नहीं समझ पाए, चलो ठीक है, एक काम करो तुम लोग पहले यहां तक की बातें समझने की कोशिश करो, मैं फिर समझाता हूं। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ही, मैं इसलिए फिर से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, समझना। आपको एक कर्व दे दिया गया, उस कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख देना है, ठीक है ना। वो नॉर्मल एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो पास करने का मतलब ये नहीं है कि ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर हो। अगर क्वेश्चन में ये देता कि नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 2 एट लगा देता,
तब हम समझते कि वो कर्व के ऊपर के पॉइंट का बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बोल दिया पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि वो बाहर कहीं है, वो पॉइंट बाहर कहीं है, माने यहां कहीं है, तो हमको एक पॉइंट तो पता है नॉर्मल का, चलो ठीक है नॉर्मल यहां से पास करेगा। लेकिन अब नॉर्मल की स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालेंगे ना कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किए तो टेंजेंट का स्लोप एक्स वन बाई टू आ गया और नॉर्मल का स्लोप माइनस टू बाई एक्स वन आ गया। अब कहानी ये है कि भाई साहब ये सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, एक्स वन की वैल्यू पता तो लगना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा x1 का वैल्यू, कैसे पता लगा लोगे तुम, ये x1 कैसे पता लगाओगे, तुम्हारे पास ये चीज दिया हुआ है। अगर मान लो सेटिस्फाई भी करवाते हो तो कहोगे x1 square is equal to 4y1 के बराबर है, ठीक है ना, x1 square is equal to 4y1। तो कैसे पता लगाओगे, सिंपल सी बात है, कैसे? तो तुम कहोगे सर सिंपल है ना यार, 2 माइनस x1 लिख लो और उसके बाद 2 माइनस y1 लिख लो और उसके बाद 1 माइनस x1 लिखो, ये बराबर हो जाएगा माइनस 2 बाई x1 के। हम कहेंगे हाँ एकदम बराबर हो, क्यों? क्योंकि यहां से मैंने दो पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लिया, जो मैंने फॉर्मूला पहले दिन बताया था, और उसको इस स्लोप के बराबर कर दिया। तो फिर यहां y1 लफड़ा कर रहा है, y1 को लिख दो 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 4, नीचे 1 माइनस x1 है और यहां 2 माइनस x1 है, हो गया। अब इस चीज को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं आपका काम बन जाता है। किस चीज को सर? देखो मैं बताता हूं किसको सॉल्व करना है, 2 माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स वन। तो यहां सॉल्व करोगे तो जाएगा 8 माइनस एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई एक्स वन, ये उधर चला जाएगा 4, तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस 8 बाई एक्स वन। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से x1 की वैल्यू निकलेगी, उस x1 को इसमें डाल दोगे y1 निकल जाएगा, x1 y1 निकल गया, यानी पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन लिख लिए, ठीक है ना। तो चलो ये काफी बेहतर क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए। आपका ये 10वां नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग टाइप का निकल के चला आता है, ठीक है ना। चलिए, आपके बुक में से मैंने 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल से करा दिए। अगर आप टोटल एग्जाम्पल की बात करोगे तो टोटल 24 एग्जाम्पल है, यानी 14 एग्जाम्पल और है, बट वो जो 14 एग्जाम्पल है इसी सब चीज पे बेस्ड है, इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो आप कर सकते हो और काफी आसानी से आपसे बन भी जाएगा। तो आपके पास आज का पूरा रात है, कल का पूरा दिन है, कल फिर समझ लो कि 11 बजे तक ही, यानी कल अगर कल 10 बजे सुबह तक, चलो 10 बजे सुबह तक का टाइम रखते हैं, आज का पूरा रात ले लो और कल 10 बजे सुबह तक का टाइम ले लो, कल 10 बजे सुबह तक में आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 24 में से 10 एग्जांपल तो मैंने करा दिए, 14 एग्जांपल्स कर लेने हैं और 21 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 21 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे इतने क्वेश्चन कर लो और इतने क्वेश्चन को करने के बाद कल 10 या 11 हटाओ 1 बजे तक ले लेते हैं, 1 बजे तक अगर तुम अपना डाउट भेज दिए तो मैं उन डाउट को क्लास में इंक्लूड कर लूंगा, और अगर डाउट नहीं भेजोगे तो सिंपल सी बात है मैं अगले एक्सरसाइज पे बढ़ जाऊंगा और कल हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी काफी है, जितना एक रिक्वायर्ड इनपुट चाहिए था उतना दे दिया गया, बस इसको बढ़िया से देख लो, एंथुसियाज्म के साथ देख लो और मजे से पढ़ो, खुश रहो, पूरा बढ़िया सिलेबस कंप्लीट करने का दिमाग में रख लो, ठान लो करना है तो करना है, और एक चीज ठान लीजिए कि अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, बस इतना ही कहना है। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।